न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। ईडी ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। ईडी ने यह दावा गुरुवार को गिरफ्तार किए गए कैश कुरियर असीम दास के हवाले से किया है। साथ ही ईडी ने कहा है कि अब इसकी जांच की जा रही है। ईडी ने गुरुवार को कुरियर असीम दास उर्फ बप्पा दास के पास से 5.39 करोड़ रुपए बरामद करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप और उनके प्रमोटरों की ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत जांच कर रही है। ईडी ने प्रेस रिलीज कर इसका दावा किया है। असीम दास और उसके साथी कांस्टेबल भीम सिंह यादव को रायपुर की विशेष अदालत में शुक्रवार शाम करीब 5 बजे पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। अब अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। ईडी के वकील ने कहा कि भीम सिंह यादव सुपेला पुलिस में कांस्टेबल है। हमें जानकारी मिली थी कि वो 3 बार दुबई गया था। 2 यात्राओं में वो महादेव ऐप के प्रमोटर से भी मिला। उसकी बुकिंग भी इन लोगों ने ही कराई थी। इसके अलावा जो पैसा आया है वह भी इलेक्शन के समय में पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बताया जा रहा है कि असीम दास पेशे से ड्राइवर है और ऑनलाइन सट्टा ऐप चलाता है। ईडी को आशंका है कि उसके घर से मिला पैसा ऑनलाइन सट्टा ऐप का है, जिसे चुनाव में खर्च करने के लिए रखा गया था, जिसके बाद गुरुवार को कार्रवाई के लिए ईडी के अधिकारी ताला तोड़कर मकान में घुसे थे। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।